हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब पटवारी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्शन में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स और सारे टॉपिक्स का पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के टॉपिक्स और किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्रीकल्चर सेक्शन में आ सकते हैं। सो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके कुछ एग्जांपल्स जो आपको पटवारी एग्ज़ाम के एग्रीकल्चर सेक्शन में आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपको आ सकता है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के ऊपर। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ नॉट बीन एज ग्रीन एज इट हैज़ बीन मेड आउट टू बी बिकॉज। इसके चार रीज़न आपको दिए गए हैं, ए इट क्रिएटेड बिग फार्मर्स, बी इट इज़ कन्फाइंड टू सेलेक्ट रीजन्स, सी इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू वीट और डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से एक आंसर जो है वो करेक्ट है, आपको उसको टिक करना है। देन एग्रीकल्चरल एजुकेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि द टर्म सॉइल इम्प्रोवाइजमेंट रिलेट्स टू विच ऑर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको एग्जाम्पल, इसमें आपको ऑप्शन दे गई हैं चार। सबसे पहली है सॉइल इरोजन, सेकेंड है सॉइल डिपोजिशन, थर्ड है सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एंड फोर्थ सॉइल गेटिंग एनरिच विद प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इन चारों में से एक आंसर जो है वो करेक्ट है, और साथ के साथ आपको ये आंसर कमेंट सेक्शन में भी हमें बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्राइफाइट मीन TRIFAD वॉज स्टाब्लिश इन द एयर 1987 फोर, कि जो ट्राइफाइड है वो स्टाब्लिश हुआ था 1987 में किस कॉज के लिए। तो चार आपको कॉज दिए गए हैं, सबसे पहला टू डेवलप मार्केटिंग सिस्टम फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और टू डेवलप मार्केटिंग सिस्टम फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, सी टू डेवलप मार्केटिंग सिस्टम फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स, और डी टू डेवलप मार्केटिंग सिस्टम फॉर नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो उसे आपको एग्जाम में क्या करना है, टिक करना है। जो आंसर आपको लग रहा है कि वो सही है, 100% आप श्योर हो उस आंसर को लेके, तो आपने उसको टिक कर देना है, देन तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और साथ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्री इज डैश बेस्ड इंडस्ट्री। काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको दे रखी है, सबसे पहले फॉरेस्ट, बी एग्रो, सी मिनरल और डी नन। तो इन चारों में से एक आंसर जो है करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में तो दोगे ही, लेकिन साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताएं हमें कि आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक पूछे हैं वो कितने टाइम मीन्स कितने टाइम कंज्यूम किया आपने उन आंसर्स को एनालाइज करने में और उन आंसर्स का पता लगाने में, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एग्री बिजनेस, व्हेन डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट किसान क्रेडिट स्कीम। तो इसके बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया कि कब गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट स्कीम को लेकर आए थे, वो तो जुलाई 1992 में लेकर आए थे, या नवंबर 1993 में, या फिर अगस्त 1998 में, या फिर अप्रैल 1994 में। तो ये चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं, तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्शन में। वेर इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी लोकेटेड। तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जूट का और अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी वो लोकेटेड है। तो आपको पांच ऑप्शन दी गई हैं, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो इन पांचों में से एक लोकेशन जो है वो करेक्ट आंसर है, तो उसको आपने एग्जाम्स में टिक करना है। मींस इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको आ सकते हैं, ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल एज अ एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में है कोई भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो अटैम्प्ट करने में पेपर। देन एग्रीकल्चरल रिसर्च के रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट्स इज़ अ कॉम्प्लीमेंटरी प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्टिवेट है जो कि प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर का एज अ कॉम्प्लीमेंटर काम करता है। तो उसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला एग्रो इरीगेशन, दूसरा है एग्रो चैनाइजेशन,
एंड सी है एग्रो प्रोसेसिंग और डी है एग्रो मटेरियल कंट्रोल। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कि आपने कितने आंसर जो है वो सही दिए हैं और साथ के साथ कितने टाइम में आपने ये आंसर्स दिए हैं। तो इससे आपको खुद का भी एक एनालाइज मिल जाएगा कि कितनी प्रिपरेशन आपने कर ली है एग्जामिनेशंस के लिए। सो ये थे लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग पंजाब पटवारी एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और साथ के साथ हमें कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स भी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।